जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस ने चार आरोपियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। एक स्विफ्ट डिजायर कार में चार आरोपियों के द्वारा अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था, जहां थाना प्रभारी गोरखपुर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गोरखपुर थाना पुलिस की टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटनी की ओर से कुछ लोग शराब जबलपुर में लेकर आ रहे हैं, जिस पर चेकिंग लगाते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोका गया, जिसमें 25 पेटी शराब पुलिस को मिली है, जहां 2 पेटी इंग्लिश शराब व 23 पेटी देसी शराब पुलिस को कार से मिली है। वहीं चारों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मुखबिर द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कटनी से कुछ अवैध रूप से लोग बाग शराब लेके आ रहे हैं और यहाँ बेचने में उसका भंडारण कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर रेड किया गया। तो एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार है, उसमें से हमको लगभग 25 पेटी शराब मिली है, जिसमें से 2 पेटी उसमें अंग्रेजी शराब है और 23 पेटी करीबी देसी शराब है। तो जी, इसमें अभी 4 आरोपी है, बाकी इन्वेस्टिगेशन करना है। ये जहाँ से लेके आ रहे थे, जिनके लिए उनको भी आरोपी बनाया गया है, और जितना इनका ये संगठित ग्रोह चल रहा है, उनको भी आरोपी बना के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चारों आरोपी कौन है, क्या नाम है, कहाँ के रहते हैं? चारों आरोपी जिसमें हैं, अभी तक जो आए हैं, जो सामने से भागे थे, अंशुमन विश्वकर्मा जिसकी गाड़ी है, दूसरा सूरज बाबरिया, सागर बंसल है और आदर्श ठाकुर। ये सब कहाँ के हैं? ये एक रांची क्षेत्र के हैं और बाकी कैंट और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के रहने वाले। नहीं, बिल्कुल ये पहला भी इनका रिकॉर्ड है, इसमें शराब तस्करी में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो अभी लगातार दबिश चल रही है, उम्मीद है कि और भी अधिकतम मात्रा में हम लोग शराब बरामद करेंगे। अभी इधर ही क्षेत्र में इसकी सप्लाई करने के लिए ला रहे थे, और भी जो इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिलेगी तो आपसे शेयर की जाएगी।